हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, ये है स्कॉर्पियो एन का 7 सीटर वेरिएंट, जो कि मैं आपको अपने चैनल पे दिखा चुका हूँ। अब मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ 6 सीटर वेरिएंट। चलिए गाइस, शुरू करते वीडियो को। ये देखो, ये चीज है मैट्रिक्स। हाँ, गाड़ी की हाइट और उसके हिसाब से। दिखाई थी मैंने एक, और ये उससे भी ऊंचा मॉडल है नए लोगों के साथ। ये आ जाते हैं डिस्प्ले माउंट, स्टीयरिंग माउंटेड बटन। यहाँ पे ये नया लोगो, 8 इंच की डिस्प्ले, ऑटोमेटिक एसी। ये आ जाता है आपका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इसमें हैंड ब्रेक मैनुअली रहता है, और जैसे XUV 700 में ना, यहाँ का थोड़ा ग्लोस फिनिश तो प्रीमियम ज़्यादा लगता है, वो चीज़ नहीं है इसमें। बाकी इसका डैशबोर्ड ज़्यादा चौड़ा है एज़ कम्पेयर टू क्लासिक। और यहाँ पे आर्म रेस्ट है, जिसमें ज़्यादा गहरा नहीं है, स्पेस बिल्कुल नहीं है। ग्लव बॉक्स में लाइट आ जाती है, एक प्रीमियम चीज़ है भाई साहब। और ये है आपका कैप्टन सीट्स वेरिएंट, कितना मस्त लग रहा है, कंफर्ट लेवल ही अलग है। और ये आ गई आपकी सनरूफ, और एक जो गाड़ी की पोजीशन है ना भाई, इस गाड़ी की चलाने की मज़ा ही अलग है। बस एक ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये और थोड़ा वो वाला देते ना ऑटोमेटिक डे नाइट तो मज़ा आ जाता। यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, लाइट्स है, ये सनरूफ का बटन है। बटन्स की क्वालिटी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट ओके है, सही है, चल सकता है। और सेम ही है जो मैंने दिखाई थी, वही सब सेम है। ये RVM के कंट्रोल्स, RVM ये रहा बड़ा सा, तो एक नंबर है गाड़ी तो वाइज। यहाँ पे विंडो के कंट्रोल, गेट लॉक अनलॉक। और मैं आपको एक बार उतर के दिखा देता हूँ। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक मिल जाती है। बाकी पीछे चलते हैं, तो पीछे आपको यहाँ मिल जाती है कैप्टन सीट्स, जो कि चढ़ के आपको ऐसे फील दे जाती है। ये 6 सीटर हो जाती है गाइस। और यहाँ पे आप डोर जैसे बंद करेंगे तो अच्छा सा एक आ जाता है। रियर साइड हाई सपोर्ट, और इसकी ना पीछे की रो में वो नहीं है AC वेंट, पीछे वाले गर्मी से मर जाएंगे। चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत चीजें नहीं दी, स्कॉर्पियो वाला देसी बना। अच्छा, AC वेंट नहीं है पीछे? नहीं, पीछे AC वेंट नहीं है, आगे से तो बहुत जगह है। मेरे हिसाब से तो बेटर मुझे लगता है 7 सीटर ऑप्शन, क्योंकि अगर उसमें 4 बंदे हो तो एक आर्मरेस्ट डाल लो। इसमें अगर एक बंदा कभी एक्स्ट्रा ही पड़े तब भी आप नहीं बिठा सकते, ये 6 सीटर ही काउंट होगी गाइस। पीछे दो ही आ सकते हैं। सीटर वाला वेरिएंट दिख गया था, उसमें तो था यार पीछे। नहीं, पीछे नहीं था, मैं कह तो रहा था पीछे ऐसी नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, हवा हवा आजकल भर लेते हैं लोग, मशीन आती है तो ऐसा कुछ इंटीरियर रहता है गाइस कैप्टन सीट्स के साथ स्कॉर्पियो एन का। भाइयों, मेरे को तो ना 7 सीटर ऑप्शन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा बेस्ट लगता है, लेकिन आपका क्या ओपिनियन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करते जाना गाइस, बाय।